रेडी हो गया हूँ सुबह 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 के मेरे ख्याल से 4:30-5 बजने वाले हैं। शुभम ने सुबह सुबह सरप्राइज दे दिया एक, ये टिकट पकड़ा के बोल रहा है मैंने रात ट्रेन तेरी पहले ही बुक कर ली थी तो तू ट्रेन के अंदर जाएगा ना कि हिच हाइक करके कोलकाता तक, तो इसलिए ट्रेन में जा रहा हूँ। बाय बाय गुडी। ठीक है राजा जी, बाय बाय। शुभम जा रहा है मेरे को छोड़ने के लिए स्टेशन तक, और इसने रात ट्रेन की टिकट भी कटवा दी थी मुझे पता भी नहीं, और सुबह सुबह मेरे जेब में थमा दी। तो इसको मैं भेज रहा हूँ, मामा की ड्यूटी लगी हुई है स्टेशन पे, तो मामा से मिलूंगा। चल ठीक है बाय। हाँ ठीक है। तो धनबाद स्टेशन पे आ गया हूँ और सुबह के बज रहे हैं 5, गेट नंबर 1 से एंट्री हो रही है, और कोल्डफील्ड एक्सप्रेस है कोई, तो उस ट्रेन के अंदर जाना है। मामा जी भी आ गए, ड्यूटी आवर में थे अभी, और शायद 7 बजे ऑफ होता है, 8 बजे ऑफ होता है। तो मामा जी मिल गए, प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे आएगी और यहीं से बन के चलती है वो ट्रेन। मेरा भागना बना। अच्छा ये लॉक कर दिया है ना, लॉक करके जुड़ गई गाड़ी है ना। तो मामा जी मेरे को बता रहे हैं कि कैसे लॉकिंग वगैरह सिस्टम होता है। अभी इंजन जुड़ रहा है डब्बे के साथ, तो वही उसको जोड़ रहे हैं। नमस्ते मामा जी, बैठो मामा जी। ठीक से पहुँचे, ठीक है। अपनी सीट पे बैठने जा रहा हूँ क्योंकि लोग आने स्टार्ट हो गए हैं और भीड़ लगनी स्टार्ट हो गई है। तो सीट अच्छी है, जाओ जाओ बैठ जी। हाँ तुम ये मैंने अपना सामान पहले ही रख दिया था जब मैं आया था, तब अकेला था, अभी भीड़ हो चुकी है पूरी। ट्रेन लेट होगी, 10:25 का टाइम था यहाँ का और अभी 10:44 हो रहे हैं, तो थोड़ा बहुत लेट हुई है ट्रेन। और अपना ये हावड़ा स्टेशन है, तो अभी जाना है मुझे अपने होस्ट के घर पे। होस्ट ने मुझे व्हाट्सएप पे लोकेशन शेयर कर दी है, और यहाँ से 15 किलोमीटर के आसपास है उनका घर। देखते हैं, हिच हाइक करते हैं और पहुँचते हैं उनके घर पे। तो सामने देखिए, ये है हावड़ा स्टेशन की भीड़। और ये सिर्फ दुर्गा पूजा के टाइम में नहीं, हमेशा हावड़ा स्टेशन पे ऐसी भीड़ रहती है। एक ख़ास बात और इस स्टेशन की, ये देखिए जो ये ट्रेन आई है हमारी, और आगे जो लाइन है वो बंद हो गई है। इससे आगे मतलब ट्रेन नहीं जाती। कालका टू हावड़ा लाइन यही है, कालका से भी ऐसे ही होता है, जैसे टॉय ट्रेन पकड़नी पड़ती है कालका में भी, वहाँ भी एंड हो जाता है, और ये हावड़ा में भी यहाँ पे एंड हो जाता है। उसके बाद अलग अलग रूट से अलग अलग ट्रेनें चलती हैं। तो हावड़ा स्टेशन से बाहर निकल गया हूँ, तो सिटी ऑफ जॉय कोलकाता में आपका स्वागत है। स्टेशन के बाहर आ गया हूँ और सामने से बिल्कुल हावड़ा ब्रिज दिख रहा है। इसको क्रॉस करके मेरे को होस्ट के घर जाना पड़ेगा। लिफ्ट मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो गया यहाँ पे, क्योंकि टू व्हीलर वाले जो बाइक वाले भाई लोग हैं वो रोक नहीं रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हेलमेट की ज़रूरत होती है। एक भाई ने रोकी थी, उन्होंने कहा कि तो आपके पास हेलमेट नहीं है तो चलान कट जाएगा, तो शायद इसलिए लोग रोक नहीं रहे हैं यहाँ पे। तो पैदल ही क्रॉस कर रहा हूँ हावड़ा ब्रिज को, ये देखिए ऊपर। और ये सामने हुगली नदी है।
पैदल पैदल ही क्रॉस कर लिया है हावड़ा ब्रिज को, अब जा रहे हैं आगे की तरफ, लिफ्ट मिलती है कि नहीं देखते हैं। तो कम से कम 2-3 किलोमीटर पैदल चलने के बाद भैया ने लिफ्ट दी है। भैया आपका नाम क्या है? मनोज अग्रवाल है भैया का नाम। और भैया मेरे को थोड़ा आगे तक छोड़ देंगे। बेहाला वहाँ से कितनी दूर रह जाएगा भैया? सबको बस में 1 आवर लगेंगे। अच्छा, किलोमीटर कितना रह जाएगा? 10 के आसपास। अच्छा, 10 के आसपास, 10 किलोमीटर ना। अब मैं भैया को बताता हूँ अपनी स्टोरी सारी। भैया ने मतलब मेट्रो के आसपास छोड़ दिया और भैया मेरे को पैसे दे रहे हैं और कह रहे हैं कि यहाँ से आपने रास्ता बता दिया जहाँ मेरी लोकेशन मुझे जाना है, और भैया मुझे कह रहे हैं कि आप पैसे पकड़िए और मेट्रो पकड़ के चले जाइए। सिर्फ 5 मिनट की आपसे लिफ्ट ली है ये, आप मेरे को रास्ता बता दीजिए तो मैं चला जाऊँ। ना, आप जाओ ना, इसमें आप अच्छे से जाओगे। अभी जो भैया मिले थे, मनोज अग्रवाल नाम था उनका, और उन्होंने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प कर दी। मैंने उन्हें सारी स्टोरी बताई कि मैं विदाउट मनी ट्रैवल कर रहा हूँ, तो आप मुझे मतलब रोड पे छोड़ दीजिए, मगर उन्होंने मेट्रो के पास मुझे छोड़ दिया। और उन्होंने बस पूछा कि आपको जाना कहाँ है, मैंने जगह का नाम बताया और उन्होंने मुझे 100 रुपये पकड़ाए और बोले ये मेट्रो से आप चले जाइए। और मैंने कहा नहीं भैया, मैं ऐसे मतलब पैसे नहीं ले सकता आपसे। तो कह रहे नहीं नहीं, ये सिर्फ मतलब आपकी यात्रा के लिए है। तो देख लीजिए, कोलकाता में भी अच्छे अच्छे लोग हैं और अच्छे लोगों की कमी नहीं है इस देश के अंदर। तो अब चलते हैं, मेट्रो का सफ़र भी कर लेते हैं भारत यात्रा का दौरान। टिकट लेनी पड़ेगी बेहाला तक की, और टिकट काउंटर के आगे हूँ। भैया बेहाला तक की दे देते हैं, बेहाला तक की 300 रुपये। खुला तो नहीं है भैया, एक है भैया। हाँ जी, रविंद्र नगर से आगे है वो जो आप बता रहे हो। हाँ जी, महानायक उत्तम कुमार उतरना मुझे। मेट्रो पे वो भी जल्दी है, शायद 10-15 मिनट बाद वो स्टॉपेज आ जाएगा। तो भैया कोलकाता से है, तो भैया के साथ बातें हो रही थी ट्रैवल से रिलेटेड भी हुई। तो भैया का यूट्यूब चैनल भी है, बस हम लोग छोटा सा एक ब्लॉग बनाते हैं, छोटा सा चैनल भाई, और आप लोग भाई को फॉलो करो। अच्छी भाई के साथ एक्सप्लोर करो कि कैसे विदाउट मनी जो ट्रैवल किया जाता है, बहुत ही मुश्किल है ट्रैवल करना। तो भाई का स्टेशन आ गया है भाई, सेफली भाई ना। थैंक यू सो मच भाई। तो भाई भी ट्रैवलर है और यूट्यूब पे चैनल है इसका, तो मेरे को बता रहे थे यहाँ के बारे में, जो भी लोकल प्लेसेस वगैरह और भी चीज़ें। बहुत खुश थे देख के कि आप कैसे ट्रैवल कर रहे हो विदाउट मनी। अभी मेट्रो स्टेशन के बाहर बैठा हूँ और वेट कर रहा हूँ हेनरी दादा का, क्योंकि हेनरी दादा ने फ़ोन करके बोला कि मैं आ रहा हूँ आपके पास, आप वहीं पे रुको। तो इसलिए मैं मेट्रो स्टेशन के बाहर वेट कर रहा हूँ। तो मेरे होस्ट आ रहे हैं मुझे लेने के लिए। हेनरी दादा का कॉल आया है, वो कह रहे आधे घंटे में पहुंच रहे हैं, अभी रास्ते में ही हैं। कह रहे ट्रैफिक ज़्यादा है दुर्गा पूजा के चक्कर में, तो इसलिए आधा घंटा लग रहा है, नहीं तो वो जल्दी। मेट्रो के बाहर वेट कर रहा था हेनरी भाई का, तो मुझे अभिषेक भाई मिले और इन्होंने बैग वैग देखा मेरा और चीज़ें मतलब इन्होंने क्वेश्चनिंग करी। मैं इनके भरोसे मतलब बैग छोड़ के गया था वॉशरूम के लिए, तो फिर इन्होंने ध्यान रखा और फिर जब मैं आया तो ये स्टोरी पूछने लगे। तो मैंने सारी स्टोरी बताई, भारत यात्रा कर रहा हूँ मैं विदाउट मनी और ऐसे ऐसे, और भैया ने मुझे ऑफ़र किया, देखो क्या डोसा ऑफर किया है। तो थैंक यू सो मच भाई, इनके चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। बाकी इसकी ज़रूरत नहीं थी भैया, होस्ट भी आने वाले हैं, उनको भी खा दीजिए, 2 मिनट लगेगा। थैंक यू सो मच। तो हेनरी भाई आ चुके हैं हमें लेने के लिए। असल में भाई अभी पूरा पूजा में जाम चल रहा है, वो हाँ मैंने बताया कि कहते हेनरी भाई आ रहे हैं और जाम पूरा चल रहा है इसलिए लेट हो रहा है। और क्या आना पड़ा, हम उसमें उस तरफ आए क्योंकि यहाँ से आने से मेरा स्टेट होता पूरा इतना कंजेस्टेड हो गया, तो पूरा घूम के आया। ठीक है, आप आइए आइए, बैठिए बैठिए बैठिए। तो हेनरी भाई के साथ हम आ गए हैं, यहीं पे हम रहेंगे। सुनर मतलब बंगला क्या बोलते हैं, सुनार बंगला, जगह का नाम सुनर बंगला। अच्छा अच्छा अच्छा। और विकास भाई से मिले हैं हम, और हमारे बीच एक कॉन्सिडेंस हुआ है, वो ये हुआ है कि इनके छोटे भाई का नाम प्रकाश है और इनका नाम विकास है,
और मेरा नाम प्रकाश और मेरे बड़े भाई का नाम विकास है, तो मतलब सेम बात होगी बिल्कुल, है ना। हेनरी भाई आए और ये बिरयानी पकड़ आ गए, चले गए, और यहीं मैं रह रहा हूँ। ये वाला मेरा रूम है, यहाँ पे मैं रात को रुकूँगा। अभी नया नया बनाया है घर, तो अभी शिफ्ट नहीं किया है। हेनरी भाई के फ्रेंड का घर है, तो अभी खाना वाना खा लेते हैं, उसके बाद बात करते हैं। The next day. विकास भाई के साथ निकल रहे हैं, विकास भाई के पुराने घर में। ये इनका नया घर है और अभी इनके साथ जा रहे हैं उनके पुराने घर में, है ना। वो कहाँ पे है आपका? बस थोड़ी 10 मिनट का रास्ता है। 10 मिनट का रास्ता है यहाँ से, तो निकलते हैं अपन। विकास भाई के पुराने वाले घर में आ गए हम, और ये ग्रीनरी पूरी है देखिए आमने सामने। प्रणाम। मम्मी पापा प्रणाम। प्रणाम। हेलो, मेरा भाई है, ये छोटे भाई है, इनका नाम प्रकाश है, है ना, और इनके फादर साहब और मदर जी है। विकास भाई के घर पे आया हूँ, और विकास भाई की मम्मी ने देखिए क्या क्या बनाया हमारे लिए। राइस है, दाल है, और फिश है, अंडा, अंडा करी, फिश करी मिक्स है। तो अभी अपन खा पी के फिर निकलते हैं एक्सप्लोर करने। निकल रहे हैं विकास भाई के घर से, जा रहे हैं थोड़ा एक्सप्लोर करने। भाई चले जाएंगे कुछ वर्क अपना करने और मैं थोड़ा एक्सप्लोर कर लूँगा। तो ये देखिए पंडाल स्टार्ट हो चुके हैं कोलकाता के अंदर। विकास भाई भी है। पहला पंडाल मैंने देखा है, इसके बाद और भी एक्सप्लोर करूँगा। विकास भाई के घर के बिल्कुल ही पास था ये, और विकास भाई मेरे को लेके आए थे। ये देखिए ये दूसरे क्लब का है। क्लब एक्चुअल क्या है कि कोलकाता में जितने क्लब है ना, तो हर क्लब में दुर्गा पूजा होता है, तो जितने एरिया में घुसोगे आप, आपको हर जगह हर गली में आपको पंडाल देखने को मिलेगा। अच्छा, तो छोटे से लेके बड़े जितने भी क्लब है हर जगह पूजा होता है, छोटे से लेके बड़े तक लेके। मतलब तो आप सारा रात घूमते रहिए, आपको पंडाल ही पंडाल खत्म नहीं होने वाला, खत्म नहीं होने वाला, आपके पैर थक जाएंगे मगर पंडाल खत्म नहीं होने। तो एक ये यूनिक सा पंडाल है और विकास भाई हमें लेकर आए हैं, आपको दिखाते हैं पंडाल का। ये किस थीम पे बना हुआ है? जी अभी तो इंटरलॉक जीवन हो गया, जैसे हम लोग कबड्डी खेलते थे और तो बॉल खेलते थे, बोले का गुल्ली डंडा खेलते थे, वैसे ही छोटे वाला। आगे का बात है दवा खाली देखे, हाँ पहले दवा के साथ, अभी तो लिपिल हो गया ना, वही छोटा वाला का फुटबॉल वाला जी। रविवार संडे को से खस्ती का मांस होता, मीट होता, माँ को बोल रहा थोड़ा सा आलू झोल दीजिए, माँ टेस्ट करेंगे। अच्छा, वैसे ही जी, मतलब किड्स के लिए जो बचपन का मतलब वो थीम है, वही थीम उठा के हम लोग दिखाए। जी जी जी, थीम है इस बार की। यहाँ का ये जो पंडाल बनाया है ये हमारे बचपन के थीम पे बनाया है, हम लोग बचपन में जो गेम वेम खेलते हैं, भूत भूत खेलते हैं, ठीक है, बच्चों को डराते वही है। तो इधर में जो ये साइड में आप देख रहे थे, ये जो आप देख रहे हैं हम लोग बचपन में जैसे खेलते हैं, ये गुड्डी गुड़िया खेलते हैं, ये पीठ के ऊपर से कूदना उदना करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे दादी माँ हम लोग कहानी सुना रही है, ये बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं। तो हमारे सारे बचपन में जो जो गेम खेलते हैं, ये जैसे देखिए ये लापांडोरी खेल रहा है, उदम कुद जो होता है, तो ये सारे पूरे बचपन के हम लोग के थीम पे बनाया गया है जी। तो बहुत सुंदर लग रहा है। और ये जो पीछे का ये देख रहे हैं, ये जो पूरा ये भूत के तरह स्टैचू बनाया गया, ये पूरा ये नारियल के और ताल के पेड़ के जो छाल होता है उससे बनाया गया है। तो ये दूर से देखने में तो अलग लग रहा है, सामने से देखेंगे तो क्या खूब बना हुआ है, आप सोच नहीं सकते, बहुत सुंदर बनाया है। ये देखिए आप, मतलब इसको मैं दिखाता हूँ, नारियल का जो छाल होता है उसका बना हुआ है जो पूरा स्टैचू बना है ये इस थीम पे। ये नारियल की छाल है, ये पूरी की पूरी इसमें पूरा लगा हुआ है, जो नारियल की छाल लगी हुई है तो उसी पे टिका हुआ है ये सारा। और नारियल की छाल को मतलब छाल को छिया नहीं है, बस वो छाल निकलता है, उसको बस एक एक करके एक एक जगह कलेक्ट कर करके उसको लगाया है धागे के साथ कनेक्ट कर। ये जो आर्टिस्ट है उसकी दिमाग का सोच है, जो बहुत अच्छा सोचा है और बहुत अच्छे तरीके से उसको बनाया है, तो बहुत सुंदर लग रहा है। तो आप भी आइए और देखिए, ये पंडाल बना हुआ है ठाकुर पुकड़ एरिया में, कोलकाता के साउथ में है, तो आइए और एक्सप्लोर कीजिए हमारा ये पूजा, ठीक है। अगर आपने इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो नहीं किया है तो आप यहाँ पे लिंक दे दिया है, मतलब इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दीजिए, और तू चल अकेला के नाम से इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। मैंने यहाँ पे स्टे कर रखा है, ये विकास भाई का घर है, और ये अपना कोलकाता टाइकमांडो एकेडमी है इनकी, और ये सिखाते हैं यहाँ पर,
तो आपको पंडाल दिखाते हैं। विकास भाई के घर के बिल्कुल पास में पंडाल है, भाई बताएंगे जगह कौन सी है। ये हमारा पंडाल है, ये साउथ कोलकाता में है और इसको हम लोग सोनार बांग्ला बोलते हैं। सोनार बांग्ला मीन सोना यानी गोल्ड, तो गोल्डन बंगाल लाइक गोल्डन बंगाल, ये अपने एरिया का नाम है सोनार बांग्ला। और यहाँ पे ये हमारे पंडाल है। सोलह ही एक्सप्लोर कर रहा हूँ, अकेला ही चल दिया हूँ और आप सामने देखिए कितना सुंदर सजा रखा है। आगे और चलते हैं और भी पंडाल एक्सप्लोर करते हैं धीरे धीरे। अभी मैं हूँ कोलकाता के शौकर बाजार में और बहुत ही सुंदर पंडाल है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा भीड़ है देखने वालों की। और ये सामने पंडाल देख रहे हो आप, अभी अंदर चलते हैं अपन, देखते हैं सामने से पंडाल। और बहुत ज़्यादा रश है यहाँ पर, तो ये पूरी भीड़ हो रखी है यहाँ पे। और अभी ये पंडाल का नाम है और इसके लिए बहुत भीड़ है। और इसके साथ साथ यहाँ पे मतलब पास भी भैया है ना, पासेस भी है इसके, दिखाना एक बार आप पास। इसके वीआईपी पासेस हैं, ये ऐसे वीआईपी पास है इसके, बरीशा क्लब। अच्छा, बरीशा क्लब बेहाला के अंदर पड़ता है, तो इसकी डायरेक्ट एंट्री भी होती है, इस भीड़ में लगना नहीं पड़ता, भीड़ वाली लाइन में उसकी डायरेक्ट एंट्री हो जाती है जिसके पास वीआईपी पास है। तो अभी देखते हैं, पंडाल बहुत ही खूबसूरत बना रखा है, मैंने बाहर से देखा अभी, और अभी आपको सामने से दिखाते हैं। खूबसूरत अंदर मैं पंडाल के अंदर आ चुका हूँ। ये जो नाव है किश्ती है वो इधर से उधर मूव कर रही है। बहुत ही सुंदर पंडाल है, ये देखिए सामने किश्ती भी मूव कर रही है। और यहाँ पे बहुत ज्यादा रश है, सर मिले हैं मुझे और वो मुझे बता रहे हैं यहाँ के लोकल जितने भी पंडाल्स हैं। तो बताइए एक बार कहाँ कहाँ बता रहे हो आप यहाँ से? पहले तो आपको नज़दीकी जाना है नोतुन दल। उसके बाद हम निकलिएगा अमरोची सर, वहाँ से जाना है टालीगंज मुदियाली और शिव मंदिर, वही एक अगल बगल में ही है दोनों से। अच्छा, उसके बाद आपको डिसाइड करना होगा, आप बड़ियाटा तरफ जाइएगा, वहाँ है आपका। उसके बाद मेरे को रिवर्स होके दूसरे रोड से जाना है, जो डीएच रोड है ना, डीएच रोड तो यहाँ है डायमंड। तो आपको उसका फिर क्या चाहिए, इसी का तो पैरेलल ये रोड है, इधर से देखता हुआ आ गया हूँ मैं वहाँ, उधर कुछ आपको साथ नहीं है ना। अच्छा। यही आप रोड पकड़े, इसी से पकड़ के वापस इसी से आ जाओ, आप न्यू वानीपुर चला जाइए, वहीं पूछ के फिर चला जाइएगा। बहुत बहुत एक पर एक आपने जितने भी बताए कितने किलोमीटर, जो मैं सब... आप 5 किलोमीटर का अंतर हम लोग बताए, 5 किलोमीटर अंदर। अब मेरे को जितना भी लोकल प्लेसेस है सब पंडाल के बारे में बता दिया।
नोतुंदा पंडाल के अंदर। अभी यहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ है, पीछे भी लाइन लगी हुई है और सामने लगी हुई है। एंट्री हो गई है और शायद उसको अवॉर्ड वगैरह भी मिलेगा पंडाल को। कितना सुंदर है, छविटा की तुलते ही अभी बच्चे के दिए एकदम है और तो हाथ ही बच्चे मोतुंदा का पंडाल बहुत ही खूबसूरत है, बहुत सब बांस से लग रहा है। चलो शायद आगे चलो यही बोल रहे हैं बंगाली भाषा में। बहुत ही अच्छा पंडाल था इसलिए इतनी भीड़ है। बांस पत्थर और रस्सियों का इस्तेमाल कर रखा था इस पंडाल के अंदर और पीछे अवार्ड वगैरह भी रखे हुए थे, शायद अवार्ड भी मिला हुआ था तो इसलिए रश है बहुत ज़्यादा। 15-20 मिनट की लाइन लगनी पड़ी यहाँ पे इस पंडाल को देखने के लिए, बट वर्थ इट था। इतना सुंदर नज़ारा था और उसके लिए 15 मिनट या 20 मिनट या आधा घंटा भी लगता तो कोई दिक्कत नहीं थी। बहुत ही सुंदर सजा रखा था, इतने सुंदर सुंदर पंडाल आपने देख ली है। और अभी तक आपने इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर कर लीजिए ताकि आपको अपडेट रहे मैं कौन सी सिटी में या कौन से स्टेट में आ रहा हूँ। तो ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस मैं आपको देता रहूँगा। आप चैनल को करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए और मेरी यात्रा में शामिल होइए। तो एक्सप्लोर कर ली है मैंने सारे पंडाल, अब वापस होस्ट के घर जा रहा हूँ। तो भैया ने लिफ्ट दिया है, देव ज्योति भैया नाम है इनका, और इन्होंने मुझे आगे तक लिफ्ट दे रहे हैं, आगे रोड तक जितने भी 5-6 किलोमीटर तक। और कम से कम मैं पैदल 6 किलोमीटर से ज़्यादा चल लिया हूँ और बहुत से पंडाल एक्सप्लोर कर लिए।
अब मैं वापस जा रहा हूँ, भैया ने मेरे को लिफ्ट दिया तो वापस जा रहा हूँ होस्ट के घर। तो थैंक यू भैया आपका। कम से कम 6-7 किलोमीटर तक छोड़ दिया है आगे तक, बिल्कुल अपने होस्ट के घर के बिल्कुल पास आ गया हूँ। तो थैंक यू सो मच भैया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रकाश चंद्र जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप जरूर उनका चैनल सब्सक्राइब कीजिए, आगे और बढ़िया बढ़िया वीडियो मिलता रहेगा ऐसे ही, और उनके साथ बने रहिए। कोलकाता का दुर्गा पूजा का भी आप भी मजा लीजिए। थैंक यू भैया। आगे मेरे लिए खाना लेकर आए हैं और हेनरी दादा ऑफिस से आ गए हैं, और मैंने तो था ऑफिस से छुट्टी भी हो गया था, घर में आज खाना बनाया था। अच्छा ठीक है, अच्छा बन गया। अच्छा अच्छा बन गया, मैंने लग बाय चांस अच्छा बन गया। तो सभी बोला मम्मी, मेरा वाइफ, मेरा दादी, मेरा बच्चा लोग, सबको अच्छा लगा। पहला अटेम्प्ट किया, अच्छा है वो। तो अभी ट्राई करें फिर क्या। आपने आपने बनाया था? हम खुद ने बनाया था। हेनरी दादा हमारे लिए खाना वाना लेकर आए थे, और इस वीडियो का हम यहीं पे अंत कर रहे हैं। एक मिनट, और सॉरी क्यों भाई को टाइम नहीं दे पा रहा हूँ इस बार, क्योंकि मेरा ऑफिस भी चल रहा है, छुट्टी नहीं मिला मुझे। नहीं नहीं मैं समझ रहा हूँ, ये हेनरी भाई की सॉरी सॉरी मत सुनिए आप। हेनरी दादा मेरा बहुत ख्याल रख रहे हैं, है ना, बिल्कुल भी ऐसी सोचने की बात नहीं है, ना मैं कभी ऐसे सोचता दादा। नहीं नहीं आप मेरा इनसे जो होगा तो मैं बताना चाहूँगा। हेनरी दादा मेरा बहुत ख्याल रख रहे हैं, और बस क्या बोलूं दादा, आपका मतलब बहुत बहुत शुक्रिया दादा। कोई शुक्रिया बात नहीं है, ठीक है। तो इस वीडियो का यहीं अंत करते हैं, और इस जर्नी के साथ जुड़े रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए चैनल को, और इंस्टाग्राम पे अगर फॉलो नहीं किया है तो इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिए, ताकि आपको पता लग सके मैं किस स्टेट में हूँ या किस सिटी में हूँ। तो थैंक यू सो मच, हैप्पी दुर्गा पूजा सब। आप सभी को विश्व हैप्पी दुर्गा पूजा हेनरी भाई की तरफ से भी। हैप्पी दुर्गा पूजा टू ऑल।